जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। आज श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति सैकड़ों प्रतिभाओं का सम्मान समारोह लेकर आई है श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी। में आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर श्री भूपेश भाजिया, प्रोफेसर बी आर मिर्धा कॉलेज नागौर की उपाधारे और कैरियर काउंसलिंग के रूप में बच्चों से मुखातिब हों सम्मान्य भूपेश जी। सबसे पहले भौमिया जी महाराज को नमन, तेजा जी महाराज को नमन और माँ सरस्वती को नमन। मंच पर विराजे हुए महानुभवों, आयोजनकर्ताओं और पधारे हुए मेहमानों, आप सबका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही है, एक बार जोरदार तालियां। अब जो प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, वो एक बार अपना राइट हैंड रेज करें, अपना सीधा हाथ खड़ा करें। जो प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही हैं, और अभी बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप हाथ खड़ा रखें और अपने हाथ को अपने कंधे से को तीन बार थपथपाएं, खुद को शाबाशी दें और कहें वारे में वारे में। खुद को प्रेरणा और खुद को ही शाबाशी, यही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। एक बार जोरदार तालियां मंचस्थ महानुभवों के लिए, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम देखने को मिलता है कि वर्तमान एमएलए, इससे पहले के एमएलए और इससे पहले के एमएलए तीनों एक ही साथ एक ही मंच पर बैठे, बहुत दुर्लभ चीज है ये। और खास बात कि एक पार्टी के भी नहीं, यहां समाज है। बच्चों नागौर से आया हूं, अभी दो दिन पहले तेजाजी महाराज का मेला था वहां पे, और तेजाजी महाराज हमारे समाज के आराध्य, उन तेजाजी के जीवन से प्रेरणा ले। सिर्फ 28 साल की उम्र पाई उन्होंने और सत्य के लिए अपना बलिदान दे दिया। अपने ही समाज में वीर भगत सिंह हुए, 24 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, हम उनके आदर्शों पे चले। एक छोटी सी बात कि सफल कैसे हुआ जाता है। बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह है और हर एक बच्चा अपनी जिंदगी में, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, और सफलता के लिए तीन बातें होती है। वो तीन बातें ही मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक संस्कृत के आचार्य हुए थे मम्मट, और मम्मट ने एक श्लोक लिखा, उस श्लोक में वो लिखते हैं, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यंग्य शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। उन्होंने ये बात काव्य के संदर्भ में लिखी, यही बात हम अपने जीवन के संदर्भ में भी मान सकते हैं कि अगर सफल होना है तो तीन बातें जरूरी है। पहली बात है प्रतिभा, अगर टैलेंट है तभी सफल होंगे, और प्रतिभा ईश्वर की देन है। हर एक आदमी में, हर एक बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है। जैसी प्रतिभा माइकल जैक्सन में थी, वैसी माइक टाइसन में नहीं थी। तो अपनी प्रतिभा को पहचानो, आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड में जाओ। दूसरी बात है शिक्षा, हम निरंतर सीखते रहें। एक वेद वाक्य है, चरेवति चरेवति, चलते रहो। जब तक जिंदगी है चलते रहो, रुक जाओगे तो जिंदगी रुक जाएगी। अच्छी बातें सीखो, और ये शिक्षा दो प्रकार से होती है। एक शिक्षा जो हम स्कूल में लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरी शिक्षा जो हम अपने परिवार में, अपने समाज में लेते हैं। दोनों ही जरूरी हैं। अपने बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे अच्छे संस्कार लो, उनसे अच्छी बातें सीखो। और तीसरी बात जो है सफलता के लिए, वो है अभ्यास।
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपका अभ्यास होगा तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो तीन बातें बच्चों से विशेष रूप से निवेदन है, टैलेंट को पहचानो अपने, शिक्षा ग्रहण करो, अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो और निरंतर अभ्यास करते रहो। एक मेड़ता के कवि हुए थे वृंद कवि, उन्होंने एक दोहा लिखा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। लगातार अभ्यास से ही सफलता मिलती है, तीन बातें। इसके अलावा एक बात और है कि अभिव्यक्ति कैसी हो, आप अपनी बात को कैसे कहते हैं। सर छोटू राम जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने अपने ही समाज के थे और उन्होंने समाज के लोगों को एक बात कही कि हे मेरे बोले जाट, तू दो काम कर, एक तो दुश्मन को पहचान कि कौन तेरा है और कौन पराया, और दूसरी बात है कि बोलना सीख। बहुत बड़ी दिक्कत है बोलना, एक बच्चा 3-4 साल का होते होते सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है, कहां पर क्या बोलें। तो आपकी अभिव्यक्ति मजबूत होनी चाहिए, बोलना सीखो, शब्द मजबूत होने चाहिए, शब्दों के साथ हाव भाव। अभी 3 दिन पहले इसरो का एक रॉकेट गया था चंद्रमान पर, मिशन चंद्रयान, और वो अभियान कुछ परसेंट फेल हो गया। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 95% वो अभियान सफल रहा, 5% उसमें कुछ कमी रही। और हमने देखा कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन साहब वहां खड़े थे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं, उनको गले लगा लिया। और इसरो का चेयरमैन जो इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है वो रोने लगा। उसके आंसू उसकी मेहनत की कहानी कहते हैं, बगैर मेहनत के बच्चों कुछ नहीं मिलेगा। समय को पहचानो, मेहनत करते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव साहब, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जो श्रोतागण हैं, जो मंचस्थ अतिथि है, आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। Divine Philosophy of the World's Greatest Chart Culture, International Chart Parliament.